तो चलिए आप सभी का और एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग का टॉपिक होने वाला है मेरा प्रिय विषय, यस माय फेवरेट सब्जेक्ट। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं प्रस्तावना से, ठीक है। तो देखिए, इसमें बता रहे हैं कि आप अलग तभी रहेंगे जब अलग करोगे। इसी सोच के साथ में बड़ी हुई, हमेशा लोगों से अलग करने की चाह में मेरी रुचि और व्यक्तित्व को भी औरों से अलग रखा। जो विषय दूसरे छात्रों को उबाऊ प्रतीत होते थे, मुझे मज़ेदार लगते थे। इसका जीवंत उदाहरण इतिहास विषय रहा, जो किसी को नहीं भाता था, मेरा सर्वाधिक प्रिय विषय रहा था। ठीक है, ये प्रस्तावना से शुरू करते हैं। मेरा प्रिय विषय इतिहास, माई फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री। नेक्स्ट में है कि इतिहास मेरा प्रिय विषय, जहां आजकल सभी अभिभावक अपने बच्चों को केवल विज्ञान और गणित पढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। मेरे माँ बाप भी इसके अपवाद नहीं थे। मेरा रुझान कला और कला वर्ग के विषयों की तरफ देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न था। फिर भी उन्होंने मेरे सारे पसंद का मान रखा और अपने पसंदीदा विषय को पढ़ाने की पूरी आज़ादी दी। बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित होती हूँ कैसे और कैसी किसी को अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मुझे इतिहास पढ़ना बहुत पसंद है। तत्कालीन राजा रानी कैसे शासन किया करते थे, कौन कौन शासक अपनी प्रजा के प्रति दयालु था, कौन क्रूर, इतना पता केवल इतिहास से ही संभव है। अब जानते हैं इसका निष्कर्ष। इतिहास हो या कोई भी विषय, मैं हर विषय को समान वरीयता देती हूँ। कला वर्ग के सभी सब्जेक्ट अपने आप में खास होती है। इतिहास से जहाँ हमारे गौरवशाली अतीत के बारे में पता चलता है, वही दूसरी ओर अपनी कमियाँ भी दिखाई देती है, जिनसे सबक लेकर हम खुद में और समाज में सुधार कर सकते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक माई फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री, मेरा प्रिय विषय पर। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक का वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिए या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।